नेहटोर ऑल इंडिया सिख प्रतिनिधि बोर्ड की आयोजित बैठक में पाकिस्तान में स्थित गुरुद्वारा श्री ननकाना साहेब में शरारती तत्वों द्वारा पथराव एवं गुरुद्वारा साहेब पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने की निंदा की गई। आज दोपहर को गुरुद्वारा परिसर में आयोजित बैठक में बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष सरदार सुरेंद्र सिंह फलोतिया ने कहा कि पाकिस्तान में जो शरारती तत्वों द्वारा ननकाना साहेब पर पथराव व उनके खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी गुरु साहब का अपमान है। ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को इसे गंभीरता से लेते हुए गुनहगारों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पाकिस्तान सरकार द्वारा केवल माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने भारत सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप कर सिख समाज की भावना का सम्मान कराने की मांग की। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रधान शक्ति सिंह, गजेंद्र सिंह, परविंदर सिंह, त्रिविंदर सिंह, बलविंदर सिंह, बलजीत सिंह, तस्वीर सिंह, अजीत सिंह, जगप्रीत सिंह, मनिंदर सिंह, राज आदि सहित नकीबपुर, सिजोली, फलोदी, मुनीमपुर आदि अनेक संगतों के लोग ने बैठक में भाग लिया। जनरल सेक्रेटरी भाई साहब परविंदर सिंह, मेद प्रधान संजू सिंह, ऑडिटर ज्योति सिंह और आदि सारे व्यक्ति संगत हुई, और जिसमें बढ़ चढ़ के हमारी अन्य माइनॉरिटी से भी भाई सलीम सिद्दीकी साहब, पारस जैन साहब जो दूसरे माइनॉरिटी से, उन्होंने भी इसमें शिरकत की। हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज इस ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हैं कि वह भारत पाकिस्तान सरकार से बात करके जिस व्यक्ति ने लोगों को उसका की है उसके खिलाफ जो पाकिस्तान का इस निंदा कानून है, इस निंदा कानून के तहत उस पर कार्रवाई की जाए। केवल उसका एक माफी का वीडियो आ रहा है, इतनी बड़ी कार्रवाई ननकाना साहेब एक वर्ल्ड वाइड जगह है, पूरे लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नतमस्तक होते हैं उस गुरुद्वारे के अंदर, वहां पे पथराव करके केवल माफी मांग लेना यह उचित नहीं है। पाकिस्तान सरकार से, इमरान खान साहब से हम जो है गुजारिश करते हैं, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को आज हम ज्ञापन दे रहे हैं, आज हम मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान सरकार से बात करके इस निंदा कानून के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो और सख्त से सख्त सजा उस व्यक्ति को दी जाए। इस लड़ाई के अंदर पूरा हिंदुस्तान सिख समाज के साथ खड़ा है, भारत के मुसलमान खड़े हैं, भारत का जैन, बौद्ध, पारसी, हिंदू सब इस लड़ाई के अंदर खड़े हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ है, उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री जी को इसमें हस्तक्षेप करके भारत के सिखों की भावना की जो है कद्र करे और भारत के सिखों को आश्वासन दिलाए। और खास तौर से अगर पाकिस्तान सरकार इसमें एक्शन नहीं लेती तो भारत सरकार पाकिस्तान खिलाफ सरकार के खिलाफ भी एक्शन ले। इसमें हमारे साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये हमारे सलीम सिद्दीकी साहब, एक मिनट, सलीम सिद्दीकी साहब जो मुस्लिम समाज से विशेष तौर से हमारे बीच में पहुंचे हैं, पारस जैन साहब जैन समाज से हमारे बीच में पहुंचे हैं, सबका यहाँ भारत के हिंदू मुसलमान ये सबका मसला है, केवल सिखों का नहीं है। सख्त से सख्त उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।